लेंगे, वो आप समझा दीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप रट लो, कलर पैलेट ही होता है, आप भी जैसे जैसे क्लास लेंगे आपको भी आ जाएगा वो चीज। आपको क्या समझ में आ रहा है मैं उस चीज को देखूंगा वो सही है या नहीं। अगर वो गलत आप समझ रहे तो मैं समझाऊंगा कि नहीं सर ये नहीं, आप इस लैंग्वेज में समझाइए उसको, ठीक है। ये पूरा क्या है, कलर बॉक्स। आप कलर बॉक्स भी बोल सकते हैं, कलर बॉक्स। कलर वन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है या नहीं, जब हम पेंट की फाइल ओपन करेंगे तो आप पे ये सेलेक्ट होगा या हमें इसे सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार इसे क्लोज कीजिएगा सर, पेंट की फाइल ओपन नहीं है। अब दोबारा से विंडो आ दबा के ओपन कीजिए पेंट की फाइल। पेंट कलर वन देखिए, अब तो ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी सेलेक्ट है ना। कलर वन हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया आता है, हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, कलर टू को सेलेक्ट करेंगे। कलर वन किसके लिए यूज होता है, आउटलाइन की, आउटलाइन। आउटलाइन किसके लिए होता है, किसी आकृति को बनाने के लिए, किसी आकृति के बाहर के विड्थ को ड्रॉ करने के लिए, लाइन हो रेक्टेंगल हो या जो भी हो। घर है, घर के बाहर जो कलर हो रहा है वो आउटलाइन हो गया, बाहर की दीवार पे जो कलर है वो आउटलाइन हो गया, घर के अंदर जो कलर है वो फिल हो गया। एग्जांपल बहुत सिंपल है, समझ में आ गई है। इसको क्या बोलते हैं सर, साइज को, इसको लाइन थिकनेस, लाइन ऑफ थिकनेस कहेंगे, थिकनेस ऑफ लाइन, लाइन लाइन जो होगा जब हमारा लाइन मोटी या बारीक लाइन करने का ये कॉलम है, इसमें हम बारीक या मोटी अगर लाइन हमें बनानी है तो इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बैठिए आप, पढ़ लो इसके बारे में, बताया क्या है, इसके अंदर क्या है, इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा, बताओ। क्लिक कीजिए आगे ना, इसके अंदर बहुत सारे आकार हैं, आकृति हैं, जिनके द्वारा हम चित्र को बना सकते हैं पेंट के अंदर, ठीक है। इसको आकृति बोल सकते हैं हम, आकृति, शेप्स, शेप्स को हम भी आकृति। उसके बाद आता है ब्रश, ब्रश क्या होता है आप बताओ, इसमें बहुत सारे ब्रश होते हैं सर, जिसमें बहुत सारे ब्रश होते हैं। एग्जांपल मैंने सुबह क्या दिया था आपको ब्रश का, ब्रश बताया थे आपने जो हम घर में ब्रश करने के लिए, इसको जैसे अगर कोई मूर्ति जो पूजा होता है ना, जैसे दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा जो मूर्ति बनाते हैं उसमें ब्रश भी यूज होता है उनको बनाने के लिए, पेंट करने के लिए। तो पतला ब्रश मोटा ब्रश जो भी है इसके अंदर अवेलेबल है, एक बार क्लिक कीजिए सर इस पे, देख लीजिए। ये ब्रश के अलग अलग टाइप्स हैं, ये है हमारे वीडियो में, आगे आपको मिलेगा एक एक लेवल पे, पर मैंने अभी यही बताया सुबह में। उसके बाद आता है आपका टूल, हटा दीजिए टूल। टूल में इरेजर किस लिए, रबड़ मिटाने के लिए, ए टाइप करने के लिए, किस फाइल के अंदर, पेंट के फाइल के अंदर। इसके लिए क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट बटन से टच पैड या माउस के, पेंट के सीट पे ड्रैग करेंगे। क्लास 7 में हम इस चीज को सीखेंगे, इसके बाद जो आएगा ना इस टूल का उपयोग करेंगे, ड्रैग करेंगे उसमें टाइप करना सीखेंगे, टाइप यानी लिखना। उसके बाद आता है आपका फिल विथ कलर, बाल्टी, बाल्टी को क्या कहते हैं, फिल विथ कलर। क्लियर हो गया, ये जूम के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है सेलेक्ट, मैंने ये बताया था, ये तीन ऑप्शन नहीं बताया मैंने, ये तीन ऑप्शन और ये तीन ऑप्शन मैंने सुबह नहीं बताया, बाद में बताऊंगा। सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट करने के अलग अलग प्रकार या तरीके हैं। इसके अंदर हम अपने चित्र को रेक्टेंगुलर, मतलब एक रेक्टेंगल बॉक्स के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे, हम अपने चित्र को ओवल टूल के कुछ इस तरीके के डिजाइन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीका से चाहे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने चित्र को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मैं
वीडियो में समझाऊंगा आगे। उसके बाद क्लिपबोर्ड, पेस्ट, सीजर है, कट, कैंची दिख रहा है ना, इससे कट होता है, और ये कॉपी होती है, जो कि हम वीडियो में सीखेंगे इनका उपयोग। मैंने सबको बता दिया ये चीज। सबसे ऊपर अनटाइटल्ड वन पेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है सर? ऐसी फाइल जो आपने अभी तक सेव ना की। ओके, अनसेव फाइल है ये, अनसेव फाइल। टाइटल बार से टाइटल नहीं दिया है अभी आपने। टाइटल बार से क्या पता चलता है? टाइटल बार से उसका फाइल का नाम पता लगता है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है उससे कहाँ पता लगता है, कहाँ पे आपने स्टोर की है। टाइटल बार से आप बताना सर। इसका ये पता लगता है कि अभी हमने सेव नहीं किया है। अनटाइटल, अच्छा, और दोबारा सेव करोगे तो कहीं और लोकेशन पे ओपन करेंगे तो क्या लिखा है? अनटाइटल्ड वन एमएस वर्ड, अनटाइटल्ड वन एमएस पावर पॉइंट, अनटाइटल्ड वन एमएस एक्सेल, जो भी होगा वो आइडेंटिफाई करता है क्या चीज? टाइटल वन। हमें फाइल का नाम तो पता चल जाता है, अगर मैं इसे अपने नाम से सेव करूंगा तो यह नाम आ जाएगा। उसके आगे क्या लिखा रहेगा? पेंट, मतलब ये पेंट की फाइल है, इस नाम से सेव है। अगर एमएस वर्ड जैसे मैथ और जो बुक होता है ना, हम अपने नाम लिखते हैं, नीचे सब्जेक्ट भी लिखते हैं, हिंदी का है, क्लास कौन सा है वो भी लिखते हैं। सर ये पेंट नाम भी इसको हटा सकते हैं क्या? कैसे? नाम हुआ पहले पेंट की फाइल है ना, वो तो कस्टमाइज करना पड़ेगा। क्यों करोगे? आपका तो विंडो चेंज नहीं हो गया। नहीं, वो तो एप्लीकेशन का है। उसके बाद आता है आपका मेनू बार। मेनू बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? फाइल, होम, व्यू। एमएस वर्ड आगे जाएंगे तो उसमें और भी ऑप्शन बढ़ जाते हैं। फाइल पे जब क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स को क्या कहते हैं? सब मेनू बार। मेनू बार पे जब क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं? सब मेनू बार। क्लियर है सबको? ठीक है, कंप्लीट है। मैंने ये सुबह का रिवीजन करा दिया, जो लोग लेट आए हैं सुबह में ये चीज हुआ था, और एक क्लास 5 की वीडियो कंप्लीट हुई थी, और अभी कंप्लीट हुआ क्लास 6 आधा आधा, कोई दूसरा करेगा, क्लास 7 कोई और करेगा। तब तक टी ब्रेक ले लीजिए, आपको इसको प्रोजेक्ट को ब्लैंक करने के लिए ये वाला नहीं ना। अभी हम एक दो दिन में ये सारा खत्म कंप्लीट करेंगे, फिर हार्डवेयर शुरू करेंगे। मे बी फ्राइडे से शुरू होगा हार्डवेयर।